नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा, रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला एक शख्स पर लाठियां बरसा रहा है और जिस शख्स के साथ ये शर्मनाक हरकत हुई है उसकी गोद में बच्चा रो रहा है। साहब मत मारो, बच्चे को लग जाएगा, साहब बच्चे को लग जाएगा। पर पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा, वो दे दनादन बच्चा गोद लिए पिता पर लाठियां बरसाते रहे। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शख्स की गोद से बच्चा छीनने की भी कोशिश की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर देहात इलाके के अकबरपुर इलाके के जिला अस्पताल का है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी नेता रजनीश शुक्ला ने राज्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों को साथ लेकर 9 दिसंबर को अचानक से ओपीडी बंद करा दी और धरने पर बैठ गए। ओपीडी बंद होने से मरीजों के सामने भी समस्या खड़ी हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने मरीजों से भी अभद्रता की। जैसे ही कर्मचारियों के धरने पर जाने की सूचना सीएमएस डॉक्टर वंदन सिंह को मिली तो वो वहां पहुंची और कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने सीएमएस की एक ना सुनी, जिसके बाद सीएमएस ने पुलिस को सूचना दी। सीएमएस डॉक्टर वंदना सिंह की सूचना पर अकबरपुर कोतवाल विनोद मिश्र मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे। वहीं एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को गेट से हटाने की कोशिश की। इस दौरान रजनीश शुक्ल कोतवाल से उलझ गए और हाथापाई शुरू हो गई। इस पर पुलिसकर्मियों ने कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच एक कर्मचारी का भाई भी वहां उपस्थित था और अपनी बच्ची को गोद में लिए था। पुलिसकर्मी उस पर भी लाठी बरसाने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में युवक बच्चे को लग जाएगी कहते हुए सुनाई दे रहा है। वहीं पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं और कुछ अधिकारी बच्चे को जबरदस्ती उससे दूर खींचने की कोशिश करते हैं। इस दौरान युवक कह रहा है कि उसका बच्चा है और इसकी माँ भी नहीं है। पुलिस ने बताया कि युवक कानपुर देहात के अकबरपुर में जिला अस्पताल का कर्मचारी है, उसका भाई नियमित उपद्रव करने वाला है। पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात केशव कुमार चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रजनीश शुक्ला द्वारा 100 से 150 लोगों के साथ अराजकता फैलाते हुए अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया। इस संबंध में सीएमएस द्वारा सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारी रजनीश शुक्ला को समझाने की कोशिश की। इस दौरान रजनीश शुक्ला और उसके साथियों से चौकी इंचार्ज व कुछ सिपाहियों को कमरे में बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि एक मिनट से कम के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस शख्स को मारा जा रहा है वो बार बार पुलिस से अपील कर रहा है कि बच्चे को लग जाएगी, उन्हें ना मारें, लेकिन पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूपी पुलिस की कड़ी आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि लाठी बरसाने वाले एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि जिस शख्स को मारा जा रहा था वो और उनका भाई अस्पताल में अराजकता फैला रहा था। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी मुद्दा उठाया। वरुण ने ट्वीट कर कहा कि सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति को न्याय मिल सके, या नहीं कि न्याय मांगने वालों को न्याय के स्थान पर इस बर्बरता का सामना करना पड़े। यह बहुत कष्टदायक है। भयभीत समाज कानून के राज का उदाहरण नहीं है। सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहाँ कानून का भय हो, पुलिस का नहीं।